रसूल बख्श साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए, अहम खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। आपको बताएं कि नवजोत सिंह की जानिब से वजीर आजम इमरान तारीफों ने भारतीय मीडिया के हवाले से हलचल मचा दी है। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया को पसंद ना आई ये तारीफें। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू के मुसाफे को भी दिखाता रहा, यानी कि इंडियन मीडिया ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की तारीफों ने भारतीय मीडिया को पसंद नहीं आई है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू के मुसाफे को भी दिखाता रहा। साबिक भारतीय डिप्टी वजीर आला पंजाब सुखबीर बादल का कहना था कि पाकिस्तान नवजोत सिंह सिद्धू को हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक और अहम खबर आपको दें कि भारत को दोस्ती की बात एक आंख ना भाई। करतारपुर राहदारी की तकरीब में सिख गुरुद्वारा कमेटी के रहनुमा गोपाल चावला ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से क्या हाथ मिलाया कि भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया। इंडियन मीडिया ने गोपाल चावला को इंतहा पसंद करार दे दिया है। आपको अपडेट करें, भारत को दोस्ती की बात एक आंख ना भाई करतारपुर राहदारी की तकरीब में सिख गुरुद्वारा कमेटी के रहनुमा गोपाल चावला ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से क्या हाथ मिलाया कि भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया है और मीडिया ने गोपाल चावला को इंतहा पसंद करार दे दिया है। बिल्कुल, आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि भारत को दोस्ती की बात एक आंख ना भाई करतारपुर राहदारी की तकरीब में सिख गुरुद्वारा कमेटी के रहनुमा गोपाल चावला ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से क्या हाथ मिलाया कि भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया। इंडियन मीडिया ने गोपाल चावला को इंतहा पसंद